सदर जलसा जनाब इनायतुल्ला शाहबंदरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तासुरात पेश करें और इनायतुल्ला फ़ैन क्लब का भी मुख्तसर तारुफ पेश करें। जनाब इनायतुल्ला शाहबंदरी साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। मैं आमचे भाषे का जपता मैं तुमका समाव मोहब्बत देता कि तुम्ही वल्ली कसीर दादा सरीन या आमुले आबुल्यो चढ़वे स्कूलाची चढ़वे स्कूलाची टीचर्स वगैरह समूह आयला है। मैं तुमका आमचे इनायत फैन क्लब आणि आमचे बटकल न्यूज तर्फे समूह को एक बार स्वागत करता वेलकम करता। बहरहाल आमचो इनायतुल्ला फैन क्लब आला इनायतुल्ला छात्री मानसी समूह भरली मानसी इनायतुल्ला छात्री कन्नडान तिका इनायतुल्ला शाहबंदरी अभिमानी संघाबद्दल अभिमानी वाला छात्रो माणूस। बहरहाल आमचो जेवण मेन टार्गेट आमचो सेवा करतो खिदमत करतो मतदार एक मिनट हॅलो खिदमत से खुदा मिलता है इबादत से जन्नत। बहरहाल आमचो मेन उद्देश का अपना खिदमत करतो बलिस तरीके राहता खिदमत करचे माणसा हेल्प करचे राहता कोणा मदत करचे मिसगतो बांधचे हर हर तारखेचे एक खिदमत राहता। बहरहाल खिदमत करताना आमची सगळी टीम तयार होते आम्ही गावासोबत आणि गावाच्या अत्रासोबत समय पहले आम्ही इतने आमचो एक आयुर्वेदिक मेडिकल कैम्प केले होते लगभग 600 माणसे तो फायदा खाली मामूली टेस्ट करून त्यांना बघा मेडिसिन 500 रुपये तो मिनिमम 500 रुपये 1000 रुपये तो त्यांना किट दिले गावा भितर केले मी आखी बिल्ला भितर त्याने मग काही प्रोग्राम दिले इतने आयुष्मान भारत कार्ड जो कोण तो आम्ही गव्हर्नमेंट जो कोण तो कार्ड आहे माणसा सवलत जातात जे कोणी माणसे परेशान राहतात ऑपरेशन वगैरे गव्हर्नमेंट दिली स्कीम ती गव्हर्नमेंट त्याका बाकायदा 5 लाख 6 लाख रुपये पेमेंट करता माणसा कल्तर होते आम्ही माणसा जागवले वडगली माणसा उठवले आणि 5-6 माणसे आमच्याकडे येतात ते असं कॅम्प करू आले होते आयुष्यमान भारत कार्ड हो। बरं तो कार्ड ते असं आमकां तेटलो करू जाय नाही 3 कार्ड आम्ही अल्हम्दुलिल्लाह फ्री कार्ड करून दिले इसतो इन्शाला मखदूम खाना भितर को आणि मुनके भितर आणि मुडेश्वर भितर होंडावर भितर को इन्शाला आमचं नेक्स्ट पिढी आयुष्यमान कार्ड भारत कार्ड जो कोणतो आहे मेडिकल हेल्थ कार्ड हो इन्शाला तुम्ही कोणी माणसे करणार नको इथं गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल ओपन आहे एक शनिवार आणि आयतवार करण्यात येईल आणि बाकी 3 घंटा मग हर डे 3 घंटा मग चालू आहे ती 2 आबुल्या राहतात काउंटरावर 1 60 रुपये घेतात आणि तुम्ही करा हे तर आधार कार्ड आणि जो कधी आमचं राशन कार्ड BPL आणि APL APL माणसासोबत 30% आणि BPL असली माणसा 100% भरायला पाहिजे तर असं BPL असली म्हणजे आमच्या परवाच्या कार्ड केली माणसे तुम्ही यकीन करता की नका परवाचा एकला हार्ट ऑपरेशन झालो ते माणसा गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलात दाखवून सीधा मोगलर एजे भीतर दाखल करून 5 लाख त्याका गव्हर्नमेंट त्याका दिली आणि त्याका 40-50 रुपये खर्च जाऊन राहत माणूस काही बेमार पडला पण माणूस उस्तें घेता कर्ज घेता लोन बंगाऱ्यातून बँकातून रुपये घेता ही रक्कम परेशानी माणसाकडे डोनेशन कलेक्ट येतात तसं तुम्ही हो कार्ड घेता हो सेंट्रल गव्हर्नमेंट दिली स्कीमी बऱ्याल हे जे फायदा खाला तुम्ही इन्शाला आम्ही तुमका गाईड करते राहतले इन्शाला नेक्स्ट आमचा प्रोग्राम इन्शाला जॉब अवेअरनेस जरा ऐका तुम्ही एक मिनिट प्लीज लास्ट आपण मुझे आपण खतम करता हॅलो अतिकुर रहमान मी तुका जपते वाट बी जराशी लास्ट आपण मुझे ऐका येता एक आमचं येतं नेक्स्ट इन्शाला रमजाना पुढे जातो प्रोग्राम हो जॉब अवेअरनेस हो जॉब अवेअरनेस बोला जो कोणी माणसे आमची लेडीज जेंट्स जो कोणी ग्रॅज्युएट झाला आहे त्यांना नोकरी किती गव्हर्नमेंटी नोकरी देऊन सरकारी नोकरी हे आपण बरोबर ऐका तुम्ही ही सरकारी नोकरी देऊन जायचं वडं जबरदस्त मोजतो फुल डे प्रोग्राम आहे इन्शाला तकरीबन 250 ते 300 चेडवं आम्ही इन्शाला ग्रॅज्युएट चेडवं जमा करतले आणि फुल डे त्याका वर्कशॉप सकना तू मगरीबचं त्यांना बघता निकी निके टॅलेंट माणसे निकी निके एज्युकेटर निकी निके प्रिन्सिपल जजेस आणि जो कोण ते डॉक्टर समू येऊन त्यांना सगळं क्लास घेतो आणि क्लास करून त्यांना इथे सोडूचे नाही सवस घेऊन झाला मग जो कोणी माणसा जॉब पास त्यांचा फोन नंबर घेऊन त्यांना ऑनलाईन उपर क्लास देतले आम्ही इन्शाला ऑनलाईन उपर 3 माणसाचं क्लास देतले त्यांना कोणतं जॉब पास ते जो कोण ते तो पढाई त्याची झाली आहे ती पढाई तक त्याला जॉब देतले इन्शाला भरली माणसे आमचे गावा भितर हायस्कूला भितर या अंजुमनात या नवनिया भरलीच माणसे टीचर वाढत सर मामूली पगारा भितर वाटत ते मोडे अखेरची त्यांना गव्हर्नमेंट जॉब केलं त्यांना स्टार्टिंग 35,000 सॅलरी स्टार्ट होता 35-40 हे तर माणसे IAS IPS वळवली डिग्री दी आम्ही ते छान आहे की आम्ही म्युन्सिपालिटीचा क्लार्क पोस्ट आहे तहसीलदाराचा पोस्ट आहे फॉरेस्ट ऑफिसचा पोस्ट आहे एज्युकेशन BO ऑफिसचा पोस्ट आहे इथले काही ऑफिस काम आहे 30,000-40,000 तक स्टार्टिंग तुम्ही मिळता काही ओलमा को समय येऊ शकतात शिकली पडलेली माणसे समय येऊ शकतात ते जो बाकायदा आम्ही त्याला ट्रेनिंग देतले इन्शाला आमचे 20-25 माणसे को अशी ट्रेनिंग देऊन इंटरव्ह्यू गेला आणि 4 माणसे को पास झाला आमच्यासह वडले जबरदस्त कोमाची आमच्यासह भलाई जातली इन्शाला आमची माणसं आता जॉब गव्हर्नमेंट जॉबाचं बिलकुल अवेअरनेस नाही इन्शाला आम्ही कोशिश करतो वडे आमचे इनायतुल्ला फॅन क्लबतर्फीन आणि नम्मा नाडू अकुटा आम्ही हीच कोशिश आमची का करतो आमची माणसं मुसलमान माणसं खास करून
आणि हे जे हिंदू भावडे को मुस्लिम समुदायातले खास करून आमची माणसं जे कोणा शौकत आहे जो जॉब असतो ते काम करतो आमचा मेन उद्देश आहे हे आपण तुका सांगतो इन्शाल्ला तुम्ही आमका साथ देते रहा इसलिए प्रोग्राम तुम्ही समूह साथ आणि मदत केलं 1 लाख लो हेल्प केलं इन्शाल्ला इसलिए प्रोग्राम जाऊ शकता भल्लीको प्रोग्राम जातले इन्शाल्ला इन्शाल्ला मी तुमच्याजवळ केतांको हजर वाटे आम्ही काय MLA नाही बोलून काही घरे का ओढगून नाही आम्ही बाकाच्या मैदानात हर प्रोग्राम भीतर हर गोरमेटी कोणत्या माणसा इन्सासोबत लढूचा आम्ही केतांक तुमच्यासोबत हजर वाटे त्याच्यामुळे इन्शाल्ला 5-7 दिवसा भीतर फॉरेस्ट लँड जो कोण अतिक्रमण माणसे झाला आहे त्यांच्यासो खूप प्रॉब्लेम आहे 5-7 दिवसा भीतर ओढ जबरदस्त प्रोग्राम गावाभीतर जाऊचो आहे 3-4 हजार माणूस जमा जाऊन आमचे डिस्ट्रिक्टचे ओलडे वकील आहेत त्या वाटेत फॉरेस्ट जो कोणी माणसे ठाव कब्जा केला आहे बडे 2 गुंठे 5 गुंठे कब्जा करून राहिला आहे त्यां बडे भली परेशान मी तोडे त्यांच्या सभेको इन्शाल्ला आमची सगळी टीम आम्ही साथ देते इन्शाल्ला बस तुमचं समज मी शुक्रिया अदा करते मी आपली खतम करते आणि एक रिक्वेस्ट तुमच्याकडे 1-2-3 आपली और आमचे गेस्ट ओलमाचे ऐकून तुम्ही कंटिन्यू बीजी स्कूलचे प्रोग्राम आहे इन्शाल्ला अखेरचं तुम्ही राहा आमचे सरीन मी तुमचं समजतो बिजेडे ते दिलचे शुक्रिया अदा करते मी आपली मी खतम करता वा खुदावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नायतुल्ला शाबंदरी की तासुरात के बाद मैं हमारे खतीब कौम और उस ख़ानदान के चश्मो चिराग जिनका ताल्लुक वालिदा की तरफ से भटकल के अजीम काजी साहबान से जा मिलता है वो काजी साहबान जिन्होंने जमातुल मुस्लिमीन भटकल के लिए अपनी लंबी खिदमत दी हैं और मैं उसी ख़ानदान के चश्मो चिराग वालिदा की तरफ से जनाब अब्दुल अलीम खतीब नदवी जो जामा मस्जिद के मेम्बर से कौम की इसलाह और फलाह का काम कर रहे हैं मैं अदबन उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने तासुरात से हमें नवाजें और अपने नसाए से भी हमें महजूस करें जनाब मौलाना अब्दुल अलीम खतीब नदवी साहब बिस्मिल्लाह सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह मन वला अम्मा बाद वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है तकरीबन 12 बज रहे हैं छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम है मैं ज़्यादा आपके दरमियान हाइल होना चाहता नहीं हूँ ये शायद भटकल की तारीख में पहला प्रोग्राम होगा जिसमें मिल्ली स्कूलों के तलबा को एक अवामी स्टेज पर और मैं एक दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम जिसमें छोटे छोटे बच्चे हों अगर ज़रा जल्दी हो तो इसमें ज़्यादा बेहतर होगा 12 बज चुके हैं अब कब तक होगा कल स्कूल भी है बच्चों को तकलीफ़ भी हो सकती है तो इसलिए अगर प्रोग्राम ज़रा वक्त से पहले हो असर ही से शुरू हो बच्चों के प्रोग्राम जल्दी हो जाएंगे तो बच्चों को सोने में सुबह उठने में आसानी हो जाएगी अल्लाह ताला कबूल फरमाए आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुक्रिया मौलाना अब्दुल अलीम साहब खतीब नदवी मैं इसके बाद जनाब अब्दुल रकीब MJ नदवी साहब जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्लाह व तंज़ीम से गुजारिश करता हूँ कि वो मुख्तसरन अपने तासुरात पेश करें 2 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात बहुत ही खुशी हुई ये एक हमारे तमाम मिल्ले स्कूलों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके एक जो आवामी प्रोग्राम जनाब अतीकुर्रहमान साहब बंदरी साहब ने भटकल न्यूज़ की तरफ से और इनायतुल्लाह फैन क्लब की तरफ से मुश्तरका तौर पर जो आज जो ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है मैं इस पर इन दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो इस तरह के जो हमारे मिल्ली स्कूलों के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स को उनके में से अच्छे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको इस तरह के स्टेज पर अवामी स्टेज पर इंशाल्लाह एक आपका ये आगाज़ है नुक्ते आगाज़ है इंशाल्लाह इस सिलसिले को आप आइंदा जारी रखेंगे और दूसरी बात अतीकुर्रहमान शाहबंदरी के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह भटकल में कई सालों से हम देखते रहे हैं कि अदबी प्रोग्राम्स हों या नेशनल इंटरनेशनल मुशायरे जो माशाल्लाह बहुत ही तारीखी जो भटकल की तारीख में पहली मरतबा मुनाकिद उन्होंने किया है और ये इस पर भी उन्हें मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनका तो जहन क्रिएटिव माइंड है तख्लीकी जहन है और ये जो उन्होंने जो खूबसूरत जो स्टेज प्रोग्राम इन्होंने हमारे मिल्ली स्कूलों का आज पेश किया है ये उनकी तख्लीकी जहनीत की वजह से जहन रखने की वजह से आज उनके जहन में बात आई मैंने हमारी नातुल्ला साहब से पूछा कि आप कहाँ कहाँ इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्राम सब ढूंढ के लाते हैं उन्होंने बताया कि नहीं हमारी अतीकुर्रहमान शाहबंदरी साहब का वो ये था कि ये आगाज़ है इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं कि समाज खिदमत का जज्बा इनके रगों पे में इनकी हर रग में गोया कि जो है इनके खून के हर कतरे में रचा और बसा हुआ है और माशाल्लाह इस 2 सालों की खिदमत 2 साल गुज़श्ता 2 सालों से जिस अंदाज से वो एक
एक जिस अंदाज से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अवामी फलाही प्रोग्राम्स और हुकूमत की जो स्कीमें हैं उसको मंजराम पर ला करके वो जिस अंदाज से वो काम कर रहे हैं, हमें यकीन है इससे कि जो है जैसे किसी शायर ने कहा कि मुसलसल का विषम से ही तकदीरें बदलती हैं, जो थककर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हम सबको पता है इनका एक हदफ है, टारगेट है, गोल है, उसको उन्हें अचीव करना है। और वही इंसान कामयाब होता है जो अपनी नाकामी को कामयाबी के लिए जीना बना करके फिर आगे बढ़ता है, तो इंशाल्लाह उसकी कामयाबी मुकद्दर है। खिदमत खल्क से खुदा मिलता है और इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं हो तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि अल्लाह की ज़ात से एक जिस जुनून के साथ को हमें खिदमत के लिए हमेशा इन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया है, वो वक्त यह आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो अपने हदफ में, अपने टारगेट में, अपने गोल में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत बहुत आप हजरात का शुक्रिया। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह जनाब मौलाना अब्दुल रकीब साहब। मैं इसके बाद नायब सदर अंजुमन और नायब सदर जमात मुस्लिमीन भटकल जनाब मोहम्मद सादिक पिल्लूर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी मुख्तसरन अपने तासुरात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। दो मिनट का वक्फा दिया गया, मुझे एहसास ये हो रहा है कि यहाँ बैठकर दो मिनट में क्या कहूँ, मुंतजमीन के बारे में कहूँ या जो बच्चे यहाँ पर अपने बेहतरीन फ़न और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है उनकी दाद व तहसीन में कुछ कहूँ। बहरहाल ये एक मुनफरिद प्रोग्राम था, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं यहाँ आने से पहले तजब्बुब में था कि मैं आऊँ या ना आऊँ। अगर अभी मुझे एहसास हो रहा है अगर मैं नहीं आता तो मैं बहुत सारी चीज़ें मिस करता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने बेहतरीन अंदाज में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। यहाँ पर इन प्रोग्रामों से हमको अंदाज़ा होता है कि किस मदरसे और किस स्कूल का क्या क्या मेयार है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्कूलों ने अपने अपने मेयार का यहाँ पर मुजाहरा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे लोगों को पता चलेगा कि अपने बच्चों को नौनिहालों को किस रुख पर लेके जाएँ या किस स्कूल में दाखिला दें, इसे ये भी मिलती है, रहनुमाई मिलती है। दूसरी हमारे इनायतुल्ला साहब जो उनके फ़ैन के ताल्लुक से यहाँ पर ये जो और हमारे भटकल न्यूज़ के आतिकुर रहमान साहब ने, ये दोनों हमारे कौम के मायनास फर्जंद हैं जो अपने समाजी खिदमत में हमारे इतने सारे कारहाए अनमाए अंजाम दिए हैं हमारे इनायतुल्ला साहब ने, जिसको कितना भी सराहा किया जाए कम है। हमारे आतिकुर रहमान साहब बचपन से ही सहाफत के मैदान में हैं और हमें उम्मीद करते हैं कि वो एक आलमी दर्जे के सहाफ़ी बनकर कौम व मिल्लत का नाम रोशन करेंगे। बस मैं इतनी सारी चीज़ें कहते हुए आप सभी लोगों का जो मुंतज़मीन ने मुझे यहाँ पर मौका दिया है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने दीन पर कायम रहते हुए कौम मिल्लत की फिक्र और ये करने के हमको तौफीक नसीब हो। आमीन। खैर हमें ये अच्छी तरह से एहसास है कि छोटे बच्चे बहुत हैं और सो रहे हैं, लेकिन क्या कहें कि हमारा पहला तजुर्बा था इसलिए किसी स्कूल को हम छोड़ नहीं सकते थे। इसलिए मैं बहुत बहुत माजरत चाहूँगा हमारे उन टीचर्स से, स्कूल के मुंतजमीन से, उनके पेरेंट्स से और बच्चों से भी कि हमारे यहाँ से ये थोड़ी बहुत चूक हो गई और वक्त भी ज़्यादा हो गया, उनको तकलीफ़ हो रही है बच्चों को और चार पांच प्रोग्राम बाकी हैं। लेकिन इंशाल्लाह आइंदा अगर इस तरह का प्रोग्राम रखा जाएगा तो हम इसका इंशाल्लाह ज़रूर ख्याल रखेंगे। तो मैं अभी हमारे मुख्तसर सा प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ और हमारे जो मौजूद मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे मुख्तसर शुक्रिया अदा करने के लिए जनाब हमारे कमेटी के मेंबर और हमारे रफ़ीक़ जनाब असलम मोहम्मद असलम वल्की साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मुख्तसर शुक्रिया कलिमात अदा करें। इंशाल्लाह अभी प्रोग्राम हमारा चलेगा इंशाल्लाह। असुफा मॉडल स्कूल के तुलबा अरबी ड्रामा के लिए तैयार रहें, अरबी ड्रामा के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी कफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुस्तफा अम्मा बाद। आज तुमको सम्मा असल इंपन बल्ले खुशी जाती है आने तुम तो इस्तकबाल आने असल तुम तो शुक्रिया दोनों को असले आम्मी जुड़ू इंशाला करते वाटे
बल्कि दखलेशी लम्हा भी तरसल हे असले कोशिश हमें आतिकुर रहमान साहब इनायतुल्ला शाहबंदी साहब आम्मी मिलो असले कहले ही सभी हम एक ग्रुप आ टीम मिलन करूँ माशाला तुम्हें असले कदे जे जज्बात आनी जे जवाबात असले मिलना मक असले उलखो पड़े कि असले वो हम कामयाब प्रोग्राम कामयाब जो क्या मन देखिए आपको एदोखत देखते अशे कि माशाला तुम्हें एदोखत सुकट बेसून वाटे आल्ली डटून वाटे आल्ली दिलचवीस ने असले आयकते वाटे हे बल्ली खुशेज अपने संपास फर्दन फर्दन में शुक्रिया अदा करता एदो वक्त असले तुम्हें बल्ली चणवाचे असले असले प्रोग्राम असले पलोचा सो पैसले खुद शुक्रिया तुम्हें संपास अदा करते मैं अपने मुख्तसर अपने असले ख़त्म करता अदा कर ला खैर शुक्रिया असलम मलकी साहब इस प्रोग्राम के लिए मेरे चंद साथियों ने साथ दिया है चूँकि ये प्रोग्राम का क्रेडिट जो मुझे दिया जा रहा है ये जो मैं सोच है ये असल में ये इस तरह के प्रोग्राम जनाब सही साहब तुमसे बड़ा संग दौड़े चूँकि अभी गुज़िश्ता हफ्ते तकवा का एक प्रोग्राम हुआ था आज से तकरीबन एक महीने पहले जनाब सही सिंगरी साहब ने मुझे कहा था कि तकवा के सालाना प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों का एक प्रोग्राम रखा जाए और मैंने वो जिम्मेदारी कबूल की थी और मैं चाहता था प्रोग्राम रखना चाहता था लेकिन चूँकि वो कुछ अपने